बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो रहे हैं, ये इस वक्त की जानकारी मिल रही है। जी हां, पीएम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनका जो रुतबा है, कद है, दुनिया में नजर आ रहा है किस तरह से, चाहे वो अमेरिकी प्रेसिडेंट हो, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हो, या फिर अभी पापुआ न्यू गिनी में जो उनके राष्ट्र प्रमुख हो, किस तरह से उन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद लिया, दुनिया ने देखा। ये भारत की ताकत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद, उनका रुतबा सब कुछ दर्शाता है। और अब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रवाना हो रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, और ऑस्ट्रेलिया में उनके स्वागत की जबरदस्त तैयारी है। खुद ये पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, ये एयरपोर्ट की तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और सभी से अभिवादन स्वीकार करते हुए, और ये खूबसूरत तस्वीर, और ये गर्मजोशी से स्वागत उनका किया जा रहा है, और ये नन्ही बच्ची उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए नजर आ रही है, और बहुत ही आत्मीयता के साथ आशीर्वाद दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये भारतीय मूल के सभी लोग, और ये भी खास उन लोगों के लिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और उनकी मुलाकात होती है और उनसे वो बातचीत करते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया रवाना हो रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, वहां पर शानदार इवेंट उनका इंतजार कर रहा है, तमाम ऑस्ट्रेलियाई इंतजार कर रहे हैं, भारतीय मूल के लोग इंतजार कर रहे हैं, वहां के प्रधानमंत्री इंतजार कर रहे हैं। किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं, उन्होंने बहुत तारीफ की पीएम की, कि जिस हॉल को बुक किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इवेंट के लिए, उसकी क्षमता 20,000 है, लेकिन वो छोटा पड़ रहा है क्योंकि टिकट्स की इतनी डिमांड है, सभी के फोन कॉल्स आ रहे हैं उसमें, चाहे सेलिब्रिटीज हों, कोई भी हों, राजनेता हों, विपक्ष या क्रिकेटर्स, सभी मिलना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ये इनकी पॉपुलरिटी है और ये भारत की ताकत है। और ये अब तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब पापुआ न्यू गिनी के एयरपोर्ट पर वो मौजूद हैं और सिडनी के लिए रवानगी होने वाली है उनकी, हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, और यही इनकी खासियत है, सीधा कनेक्ट करते हैं अपने आप को जनता से, जहां भी जाते हैं उस देश के लोगों तक अपनी आवाज बुलंद करते हैं, भारत की आवाज पहुंचाते हैं, और भारत की यही ताकत है, भारत की यही मजबूती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के रुतबे में, ताकत में और इजाफा करते हुए। ये तस्वीर देखिए, इसके पहले किस तरह से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया उनको, और अब विदाई ले रहे हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए अब हम रुक करेंगे गौरव सावंत का, हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। गौरव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हो, यूएस के प्रेसिडेंट हो, या पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्राध्यक्ष, किस तरह से दुनिया धमक देख रही है नरेंद्र मोदी की और भारत की? आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो तस्वीरें इस समय हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पापुआ न्यू गिनी के जो प्रधानमंत्री हैं जेम्स मारापे, वो प्रधानमंत्री को सी ऑफ कर रहे हैं, विदाई दे रहे हैं, और उन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरण स्पर्श किए धन्यवाद देने के लिए, और आज जिस बैठक में उन्होंने कहा कि भारत की अगुवाई में ग्लोबल साउथ आगे बढ़ेगा, और उन्हें उम्मीद यह है जो पैसिफिक आइलैंड देश है उनकी आवाज बनकर भारत उभरेगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा कि हम आपकी अगुवाई में आगे चलेंगे। ये एक बहुत बड़ा कदम एक तरह से है कि जितने भी विकासशील देश है वो चाहते हैं कि भारत उनकी आवाज बने, विकसित देशों के साथ जब बातचीत हो, आशुतोष चाहे वो G7 में हो, G20 में हो, UN में हो, तो भारत एक बहुत बड़ी आवाज के रूप में उभर रहा है विकासशील देशों के लिए। आशुतोष, बहुत शुक्रिया गौरव इस पूरी खबर पर, दर्शकों को जानकारी पहुंचाने के लिए और इसकी महत्ता को समझाने के लिए।